प्रेज लॉर्ड। आज हम सीखेंगे मत्ती मैसेज, मत्ती 12 का 31 क्या कहता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। यहां पर प्रभु यीशु मसीह समझा रहा है और उन लोगों को बोल रहा है जो उसके पास खड़े थे। क्या है स्थिति? प्रभु यीशु मसीह ने एक दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति के अंदर से दुष्टात्मा को निकाला। जब वो निकाला तो यहां पर क्या कहता है वो 22वीं आयत में इसी अध्याय की, इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे कि ये क्या दाऊद की संतान, क्या यह क्या दाऊद की संतान है। परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा कि यह दुष्टात्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकालता। यहां पर उसके ऊपर एक आरोप लगाया कि यह क्या करता है, दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्मा को निकालता है। वहां पर लोगों को आश्चर्य हुआ कि यह यूसुफ का बेटा प्रभु यीशु मसीह, जिसको वो लोग यीशु बोला करते थे, इसको हमने बचपन से हमारे सामने बढ़ता देखा। ये इसका पिता कारपेंटर है, साधारण व्यक्ति है, ये गरीब बच्चा है, इसको हमने देखा और ये आज इतने बड़े आश्चर्य कर्म कैसे कर रहा है। उन्होंने जो उसका बचपन से लेके जवानी तक जो पूरा जीवन देखा, कि उस हिसाब से वो क्या करते थे, उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते थे कि ये हमारे सामने कल का बच्चा जो पैदा हुआ, आज ये बड़ा हो गया, हम लोगों ने मूसा की व्यवस्था को अच्छी तरह सीख रखा है, हम फरीसी कहलाते हैं, हम शास्त्री हैं, हम लोगों को, हम प्रोफेसर हैं, हम उस विद्या को इतना सीख चुके हैं कि हम लोगों को सिखा रहे हैं, हम इतना बड़ा आश्चर्य कर्म नहीं कर पाते, और ये यीशु जो कल का लड़का है ये बड़ा हो गया और आज हमारे सामने इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है। इसीलिए उसके ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये प्रभु के नाम से नहीं करता, ये क्या करता है, एक दुष्टात्मा के सरदार के सहायता से दुष्टात्मा को निकालता है। तब प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है कि यदि दुष्टात्मा की सहायता से अगर मैं दुष्टात्मा को निकालता, तो यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्टात्मा को निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। उससे पहले बोलता है ये कि भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्टात्मा को निकालता हूं, तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं। एक क्वेश्चन पूछा, चलो मेरे लिए तुम बोल रहे हो कि मैं शैतान की सहायता से निकालता हूं, तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं। और ये बोलता है बाद में कि यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। आज तुम्हारे पास परमेश्वर का राज्य, यानी कि मैं प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे पास आ चुका हूं, मेरे ऊपर विश्वास करोगे तो स्वर्ग राज्य में जाओगे। उनको गुस्सा आ जाता था इस बात पे, उनको चिढ़ मच जाती थी कि कल का ये लड़का जो हमारे सामने बड़ा हुआ है, जिसने कहीं शिक्षा प्राप्त नहीं करी, जो प्रभु यीशु मसीह खुद अपने आप को बोलता है, इसके अंदर इतनी शक्ति, इसके अंदर इतनी सामर्थ्य कहां से आए। उनको विश्वास करने में संकोच था, उनका विश्वास उसके ऊपर होता नहीं था, क्योंकि उन्होंने उसको बचपन से देखा था। कई बार ऐसा हम भी करते हैं, हम किसी व्यक्ति को जब उसके बचपन से हम उसको बढ़ता हुआ देखते हैं और वो प्रभु में आता है और प्रभु के वचनों को जब वो सुनाने लगता है, तो हम उसके वचनों को अनसुना कर देते हैं, क्योंकि हम उसको देखते आ रहे हैं कि बचपन से हमने इसको देखा है, इसको क्या ज्ञान हुआ प्रभु यीशु मसीह के वचन का, इस कारण से हम उसका वचन सुनना छोड़ देते हैं। ये शैतान हमारे मन में ये बात डालता है कि इसके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, इसकी बात सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर भी यही था, शैतान उनके मनों में भड़काता था फरीसियों के, कि ये जो प्रभु यीशु मसीह है, ये शैतान की सहायता से, दुष्ट आत्मा के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है, इसके अंदर कोई पवित्र आत्मा नहीं है ऐसा। इसके बाद 31 आयत में क्या बोलता है वो, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कर दिया कि जो आत्मा मुझे मेरे पिता परमेश्वर के द्वारा मिला है,
उस आत्मा की अगर तुम निंदा करोगे तो वो क्षमा नहीं की जाएगी। बहुत ही ध्यान से सुनना कि परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा की अगर हम निंदा करते हैं, अगर हम उसकी बुराई करते हैं, अगर उसका नाम बेफजूल लेते हैं, अगर उसके नाम की सहायता से हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, तो ऐसा पाप साफ कह रहा है नहीं माफ किया जाएगा। जबकि एक जगह बाइबल कहती है कि मैं तुम्हारे खून से समान एकदम लाल पाप क्यों ना हो उसको भी क्षमा कर दूंगा, तुमने कैसे भी बड़े से बड़े गुनाह क्यों ना करे हो मैं उसको भी क्षमा कर दूंगा, पर यदि तुम पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते हो तो मैं क्षमा नहीं करूंगा। इंग्लिश में साफ लिखा है, 32वीं आयत कहती है, इवन इफ यू स्पीक अगेंस्ट द सन ऑफ मैन यू कैन बी फॉरगिवन, यदि तुम मनुष्य के पुत्र के बारे में अगर कुछ बोलते हो तो भी मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, बट If you speak against the Holy Spirit, you can never be forgiven either in this life or in the life to come. यहाँ कहता है कि इस जीवन में तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा और मृत्यु के बाद जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हमें नया जीवन मिलेगा, उस जीवन में भी तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। यहाँ हिंदी में कहता है कि इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा उसका अपराध, जो अपराध उसने किया है, जो प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि परमेश्वर ने उसको आत्मा दिया है। यहाँ कहता है वो कि परमेश्वर के आत्मा की सहायता से अगर मैं दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ, यानी कि पवित्र आत्मा की अगर तुमने बुराई करी, पवित्र आत्मा के लिए अगर तुमने कुछ बोला, तो मैं तुम्हारे अपराध ना इस लोक में ना परलोक में कभी कहीं भी माफ नहीं होंगे। हमें सोच समझ के बोलना है। आज इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा एडवांटेज अगर किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो पवित्र आत्मा का है। पवित्र आत्मा के नाम से हम जो चाहे वो बोल देते हैं। हम लोगों को ये बोलते हैं पवित्र आत्मा ने हमें बोला है और पवित्र आत्मा के द्वारा मैं आज ये बोल रहा हूँ। 100 में से मैं कहता हूँ बहुत लोग सच बोलते हैं, पर बहुत से जिनको पवित्र आत्मा के द्वारा से अगुवाई नहीं हुई है वो भी उसका नाम लेके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो ये यहाँ पर डायरेक्ट चेतावनी है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि ऐसे लोगों का अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। कितना सोच समझ के हमें पवित्र आत्मा के शब्द का, पवित्र आत्मा का वचन में उपयोग करना है। पवित्र आत्मा के बारे में बोलते समय कितना बार हमें सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा अपराध है जिसकी क्षमा नहीं है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि इसकी क्षमा नहीं है मतलब आप इसके द्वारा नरक ही जाएंगे। स्वर्ग राज्य का कोई भी आपको स्वर्ग राज्य नहीं ले जा सकता यदि आपने पवित्र आत्मा की बुराई करी है, यदि आपने पवित्र आत्मा के बारे में गलत बोला है, उसको गलत रूप से लोगों के सामने प्रकट किया है, तो परमेश्वर के न्यायालय में उसके अपराध की क्षमा नहीं है, आपको नरक में ही जाना पड़ेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा जेनेसिस 1:2 में क्या कहता है कि शुरू में पवित्र आत्मा मंडराता था परमेश्वर का आत्मा, और अंत में यानी कि जब सृष्टि की शुरुआत नहीं हुई थी तब भी पवित्र आत्मा था, और जब सृष्टि खत्म होने वाली है तब पवित्र आत्मा रेवल्यूशन 22:17 में क्या कहता है, बाइबल का आखिरी किताब का आखिरी अध्याय, यहां कहता है वो आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है कि आ, और सुनने वाला भी कहे आ, जो प्यासा हो वह आए और जो चाहे वह जीवन का जल सीत में से ले ले। लास्ट में भी वो ये कह रहा है कि जो भी चाहता है वो जीवन का जल सीत में ले ले, जैसी मर्जी पड़े तुम उसको ले लो और अपनी आत्मा को बचा लो। पवित्र आत्मा लास्ट तक है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को इसका गुस्सा था, प्रभु यीशु मसीह को ये बुरा लगा, और इसलिए तुरंत उसने कह दिया कि दुष्ट आत्मा मत बोलो क्योंकि ये पवित्र आत्मा है। और यहाँ पर उसने साफ कह दिया कि मेरे पिता परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ मैं, और परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ गया है। वो उसको क्या बोलता है, यदि तुम मेरी बारे में कुछ बुरा बोलते हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा।
परंतु यदि तुम मेरे पिता परमेश्वर की उस आत्मा के बारे में अगर कुछ बोलते हो तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इधर पुत्र ने पिता के सम्मान का कितना ध्यान रखा है ये देखिए आप, कितना हमें सिखाता है वो कि मेरा अनादर हो जाए तो हो जाए, पर मेरे पिता के आत्मा का अनादर नहीं होना चाहिए। आज ये चीज हमें सीखनी है इस बातों से कि एक पुत्र को पिता का कितना आदर करना चाहिए कि वो अपना आदर भले अनादर भले सहले, पर पिता का आदर उसके मुंह से हमेशा रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत जगह सिखाया है कि पुत्र को पिता का आदर करना है, और उसका एक और बड़ा उदाहरण कि जब पिता ने सारा आदर सारा का सारा अधिकार पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, तब उसने क्या करा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने सारे चेलों के पैर धोए और उसको अंगोछे से पोछा। क्यों करा ऐसा? ताकि उसके अंदर अभिमान ना आए। हम जब कोई पोजीशन में आते हैं, हम जब कोई सम्मानजनक स्थान पर बैठते हैं, तब हमारे अंदर अहम आता है तुरंत, और वो स्थान उस समय प्रभु यीशु मसीह के जीवन में ना आए, इसलिए उसने क्या कर दिया, लोगों को चेलों के पैर धोके अपने आप को नम्र और दीन बनाया। प्रभु उससे भी हमें सिखाता है कि यदि तुम जीवन के अंदर स्थान मिलने लगे, जीवन के अंदर अगर तुम्हें उन्नति हो तो तुम नम्र बन जाओ तुरंत, क्योंकि अगर तुम नम्र नहीं बनोगे तो तुम्हारे अंदर अभिमान आ सकता है। और ये चीज से हम ये सीखते हैं कि हमें पवित्र आत्मा के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचना है, क्योंकि इसके विरुद्ध किए गए पाप की क्षमा नहीं है। इससे डायरेक्ट आप कहां जाएंगे, नरक में जाएंगे। और हर एक मनुष्य जो यीशु को प्रभु कहता है उसके अंदर पवित्र आत्मा वास करती है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र आत्मा की सहायता के बिना तुम मेरा नाम नहीं ले सकते, पवित्र आत्मा की सहायता के बिना तुम मुझे प्रभु नहीं कह सकते। इसलिए हर एक व्यक्ति जो ये कहता है कि यीशु ही प्रभु है, वो ये जान ले उसके अंदर पवित्र आत्मा है। यहाँ पे क्या कहता है, परंतु मैंने जो ये बात तुमसे कही इसीलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है, तो अभी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो ये सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में जा रहे थे, जब वो तीसरे दिन जी उठने के बाद 40 दिन तक वो पृथ्वी पर रहे, और उसके बाद वो स्वर्ग में गए, तो ऐसे में जब वो जा रहे थे तब वो कहते हैं कि ये जब मैं जा रहा हूँ ये शोक से भरा हुआ तो है, तुम दुखी तो हो रहे हो कि मैं जा रहा हूँ, पर मेरा जाना अवश्य है, मेरा जाना जरूरी है, क्योंकि जब मैं जाऊँगा ऊपर और पिता के दाहिने हाथ बैठ कर तुम्हारे लिए विनती करूँगा, तब मेरा जो ये आत्मा है ये आत्मा तुम्हें वो देगा। और क्या लिखा है यहाँ पर, वह आकर संसार का पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, तुम्हें ऐसा कर देगा, पवित्र आत्मा इस जगह पे आएगा और संसार के पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। 8वीं आयत कहती है, द स्पिरिट विल कम एंड शो द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड एंड ट्रूथ अबाउट सिन एंड गॉड जस्टिस एंड द जजमेंट। पवित्र आत्मा आएगा और हर एक व्यक्ति को ये सिखाएगा, ये बताएगा कि यहाँ पर सच क्या है और परमेश्वर का न्याय क्या है। तो हमारे लिए पवित्र आत्मा जरूरी था, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर गए, और अब वो दोबारा जब वो आएगा सेकंड कमिंग, तब भी पवित्र आत्मा साथ रहेगी, और इस समय वो माफ करने नहीं आएगा बल्कि न्याय करने आएगा। तो हमें अपने जीवन को उस लायक बनाना है, हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो पापों से अगर ग्रसित हैं, यदि हम पापों में फंसे हुए हैं, तो अपने आप को हम उसके लायक शुद्ध कर लें, क्योंकि पवित्र आत्मा साफ कहता है कि वो सिखाएगा सच क्या है, सच्चाई और पाप में क्या अंतर है वो ये बताएगा, और आखिर हमारा न्याय होगा, प्रभु यीशु मसीह हमारा न्याय करेगा। तो हमें अपने जीवन को सुधारना है, हमें अपने जीवन को सही अगर चला रहे हैं तो निरंतर उसी में आगे बढ़ते रहना है, ताकि हम
नाश न हो परंतु हमें अनंत जीवन मिले स्वर्ग राज्य में। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। जय मसीह।